आज का संदेश दो भाग में रहेगा। नंबर एक, सेवकों के अधिकार, और नंबर दो, पास्टरों के प्रति विश्वासियों की जिम्मेदारी। ज्यादातर लोग इस विषय पर प्रचार करते रहते हैं कि पास्टर का कलीसिया के प्रति कैसा व्यवहार और कैसी जिम्मेदारी होनी चाहिए, परंतु मैं इस संदेश में बताने वाला हूँ कि ईश्वर ने सेवकों को कैसे अधिकार दे रखे हैं और पास्टरों के प्रति विश्वासियों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। पढ़ रहा हूँ मत्ती की पुस्तक 10:12-13। ऐसे लिखा है, और घर में प्रवेश करते हुए उसे आशीष देना, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हों तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उसने अपने सेवकों को, अपने चेलों को क्या अधिकार दे रखे हैं। यीशु मसीह को मालूम था यदि ये श्राप देंगे तो वो श्राप उनको लग जाएगा, इसलिए प्रभु यीशु ने उनको ये हिदायत दी कि गलती से भी, मजाक में भी वो श्राप देने वाली बातें ना करें। वो क्या करें, जिस घर में ठहरे हैं, जिस घर में प्रवेश करें, उन परिवार के लोगों के ऊपर कल्याण मांगें, और यदि वे योग्य हुए तो तुम्हारा कल्याण उनके ऊपर ठहर जाएगा, और यदि योग्य ना हुए तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने सेवकों को आपका अर्थात तो लोगों का कल्याण करने वाली सामर्थ्य दे रखी है, आशीर्वाद देने का वचन दे रखा है, और क्या लिखा है, तुम्हारा कल्याण। यीशु ये नहीं कहते हैं कि परमेश्वर का आशीर्वाद उन पर बना रहेगा या ठहर जाएगा या लौट आएगा, यहाँ लिखा तुम्हारा कल्याण। परमेश्वर के लोग अपनी तरफ से लोगों का कल्याण करने की सामर्थ्य रखते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आप प्रभु के लोगों को अपने घर में आमंत्रित करें, उनका आदर सत्कार करें, और आपके जीवन पर इस कारण से आशीर्वाद होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि मत्ती की पुस्तक 10:40 में लिखा है, जो तुम्हें घृण करता है वह मुझे घृण करता है, और जो मुझे घृण करता है वह मेरे भेजने वाले को घृण करता है। अर्थात यीशु इस वचन के अनुसार सेवकों को अपनी बराबर में खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे सेवक को कौन स्वीकार कर लेता है, वो मुझे स्वीकार कर लेता है। मेरे दास को कौन अपने घर में उतारता है, वो मुझे अपने घर में उतारता है। यीशु कहते हैं कि मेरा सेवक मेरे बराबर है, मेरे समान है। जब प्रभु का दास आपके घर आता है तो यीशु आपके घर आते हैं। जब प्रभु का दास आपके घर में प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर प्रवेश करते हैं। इसलिए आप परमेश्वर के सेवकों को अपने घर में आमंत्रित करें, परमेश्वर के सेवकों को आदर दें, उनका आदर सत्कार करें। वो परमेश्वर ने आशीर्वाद के साथ उनको भेजा है, आशीर्वाद देने के लिए उनको बुलाया है, और दूसरों को ब्लस करने, उद्धार दिलाने के लिए परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है। इसलिए आप परमेश्वर के दासों का आदर करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यूहन्ना की किताब 20:21-23 में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। यहाँ एक बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यीशु कहते हैं, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें वैसे ही भेजता हूँ। अर्थात जो कुछ यीशु मसीह मनुष्यों के लिए कर सकते हैं वो सब यीशु के सेवक अर्थात प्रभु के लोग, पास्टर लोग आपके लिए कर सकते हैं। यीशु कहते हैं, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूँ। प्रभु के लोगों को प्रभु ने भेजा है और अपने समान भेजा है, और वो कहते हैं, अधिकार देते हुए, पवित्र आत्मा देते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये अधिकार है कि जिनके गुनाह तुम माफ कर दोगे परमेश्वर की तरफ से वो माफ हो जाएंगे, और जिनके तुम रख छोड़ोगे उनके रखे जाएंगे। परमेश्वर अपने दास के वचन को पूरा करता है, क्योंकि यशाया 44:26 में परमेश्वर ने यही कहा है, लिखा है, अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति सफल करता हूँ। परमेश्वर खुद कहते हैं कि मैं अपने दास के वचन को पूरा करता हूँ
और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। परमेश्वर ने ये वचन दिया है, परमेश्वर ने ये आशीर्वाद दिया है, परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है अपने सेवकों को कि वे जो बोलेंगे, वे जो कहेंगे, परमेश्वर की तरफ से वो हो जाएगा। इसलिए आप यदि परमेश्वर के सेवक हैं तो आप गलती से भी लोगों को श्राप ना दें, मजाक में भी आप लोगों को श्राप ना दें, जब भी आप अपना मुंह खोलते हैं आशीर्वाद दें, क्योंकि ईश्वर ने आशीर्वाद देने की सामर्थ्य परमेश्वर के सेवकों को दे रखी है। और यदि आप विश्वासी हैं, चर्च जाते हैं, ईमान रखते हैं मसीह में, तो आप अपने पास्टर का आदर करें, उनका आदर सत्कार करें और उनसे कहें कि आप मेरे लिए दुआ करें, मुझे आप ब्लेस करें, मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द बोलें, क्योंकि उनके मुंह से निकलने वाले शब्द पूरे हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ पास्टर के प्रति विश्वासियों की जिम्मेदारी क्या है। इससे पहले ये आग्रह है, यदि आपने अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ रहा हूँ पहला तिमोथी 5:17। लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दोगुने आदर के योग्य समझे जाएं। बाइबल कहती है, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि वे लोग जो सुसमाचार का काम करते हैं, वे लोग जो बाइबल की टीचिंग और प्रीचिंग करते हैं, दोगुने आदर के योग्य समझे जाएं। आप संसार में जिस किसी व्यक्ति का आदर करते हैं, वो आपको रोटी, कपड़ा, मकान दे सकता है, सांसारिक चीज़ें दे सकता है, लेकिन जो प्रभु का सेवक है वो जिंदगी देने का काम करता है, जिंदगी दिलाने का, उद्धार दिलाने का काम करता है, परमेश्वर तक पहुँच कराने का, पहुंचाने का काम करता है। परमेश्वर के लोग इसलिए दोगुने आदर के योग्य हैं कि वे आपको सांसारिक ब्लेसिंग भी दे सकते हैं और स्वर्गीय ब्लेसिंग भी दे सकते हैं। परमेश्वर के लोगों को अधिकार है कि वे आपका उद्धार कराएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आप अपने पास्टर का, आप परमेश्वर के सेवकों का आदर करें और दोगुना आदर करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि गलतियों की किताब 6:6 में लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है, जो व्यक्ति बाइबल की शिक्षा पा रहा है, जिस व्यक्ति के द्वारा पा रहा है, उस व्यक्ति को अर्थात अपने टीचर को, अपने पास्टर को अच्छी वस्तुओं में सहभागी करें, उनके साथ साझा करें, उनके साथ दुआ करें। आप जो भी कुछ नया काम करने वाले हैं, जो भी कुछ आप परमेश्वर की ब्लेसिंग से रिसीव कर रहे हैं, उसमें आप पास्टर को साझा करें। हो सकता है उनको ऑफरिंग दे दें, और हो सकता है उन्हें अपने घर में उतारें, उनको खाने बुलाएं, उनसे दुआ करवाएं और उनसे आप आशीर्वाद रिसीव करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और दानियेल 12:3 में लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे, वे तारों के समान चमकेंगे। दानियेल कहता है कि वे लोग जो सुसमाचार का काम करते हैं, वे लोग जो बहुतों को धर्मी बनाने का काम करते हैं, पापों से तौबा करा करके भक्त बनाने का काम करते हैं, वे लोग सूरज के समान, तारों के समान चमकेंगे, वे सर्वदा चमकते रहेंगे। और मैं यकीनन ये बात कहना चाहता हूँ कि हमने परमेश्वर को जाना है तो सिर्फ पास्टर के द्वारा। हमने ईश्वर को कभी नहीं देखा, लेकिन पास्टर हमें ईश्वर को दिखाते हैं, उनके जीवन से दिखाते हैं, उनके वचनों से दिखाते हैं, उनकी प्रीचिंग से हम मसीह को देखते हैं। हम में से किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा है, लेकिन देखा है, यकीन किया है तो सिर्फ पास्टर को देख करके। परमेश्वर का प्रतिबिंब है परमेश्वर के लोग, उनको देख करके हमने मसीह को जाना है। इसलिए उनके द्वारा हमने उस प्रकाश को प्राप्त किया है जो बाइबल से होता है। ईश्वरी प्रकाश को हमने परमेश्वर के दासों से रिसीव किया है। ईश्वर के लोग दिया के समान हैं, चमकते उजाले के समान हैं, उनके द्वारा हमें रोशनी मिलती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आप उनका आदर करें। और एक दिन साउल की भेड़ बकरियां खो गई थी, उनको ढूंढने के लिए वो निकला, तब उसके नौकर ने जो बात कही उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। 1 Samuel 9:6-7 में ऐसे लिखा है, उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। साऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें,
देख हमारी थैलियों में की रोटी चुक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं। जो कुछ हम परमेश्वर के उस जन को दें हमारे पास क्या है। यहाँ साऊल अपने दास से कहता है, नौकर से कहता है कि भाई वो सेवक जो परमेश्वर का है, यदि हम उसको ये पूछने के लिए जाएं, उससे यदि हम दुआ करवाने के लिए जाएं कि हमारी भेड़ कहाँ मिल सकती हैं, तो उसको भेंट स्वरूप देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम उसको क्या भेंट में दें। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप परमेश्वर के दासों को जो भेंट देते हैं, आप बोझ समझ करके, एहसान समझ करके, उनकी सपोर्ट समझ करके मन दीजिए, अन्यथा आपके जीवन पर आशीर्वाद नहीं रहेगा। यहाँ साउल कहता है उसका बड़ा जो आदर मान होता है, उस आदरणीय परमेश्वर के सेवक को भेंट स्वरूप हम क्या दें, आदर के रूप में हम उसको क्या दें, हमारे पास उसको देने के योग्य कुछ है नहीं। जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसका नौकर चांदी का एक टुकड़ा निकालता है परमेश्वर के दास को भेंट देने के लिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यदि आप ब्लेसेड होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आशीषित होना चाहते हैं, आप परमेश्वर के लोगों का आदर करना शुरू करिए, उनको भेंट देना शुरू करिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए, उनसे दुआ करवाइए, आप आशीषित हो जाएंगे। परंतु मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के लोगों का आदर मान करेंगे, उनको ऑफरिंग, उनको भेंट स्वरूप कुछ दे देंगे, आपके जीवन पर आशीष हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ईश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। मेरी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।